खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से, जहां पर मुबारकपुर के आशा तालाब में एक शव मिलने से सनसनी मची हुई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना अंतर्गत मोहल्ला पूरा दीवान स्थित आयशा तालाब में एक शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि ऊंची तकिया कब्रिस्तान में पूरब की तरफ मोहल्ले के लड़के वहां क्रिकेट खेल रहे थे कि कब्रिस्तान की बाउंड्री के बाहर अचानक आयशा तालाब में जब नजर पड़ी तो एक लाश उतराती हुई दिखाई दी, जिसको देखकर हड़कंप मच गया। जैसे ही और लोगों को इसका पता चला तो देखते ही देखते हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई और इस तरह की चर्चाएं होने लगी तो वहां किसी ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस आनंद फानन में मौके पर पहुंच गई और लाश को पानी से निकालने के लिए तत्काल एक व्यक्ति को बुलाया गया और उसने पानी से लाश को निकाला। शव की पहचान संतराज प्रजापति उम्र 36 वर्ष, पुत्र राम प्रसाद प्रजापति चकसिकठी नयापुरा मुबारकपुर के तौर पर की गई है। परिजनों ने बताया कि संतराज को मिर्गी के दौरे आते थे, वह अक्सर पानी में कूदा करता था, साथ ही वह मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी कि बीमार भी था। अबू हासिम लायंस हेल्प क्लब में सामाजिक संगठन चलता है, उसी से मैं ताल्लुक रखता हूँ मुबारकपुर में। अच्छा, जो ये लाश मिली है किस तरह की लाश है? ये तो अभी अज्ञात है, कुछ चेहरा और दिख नहीं रहा है, पूरा एकदम गल उल गई है, तो अभी तो कह पाना मुश्किल है कि किस तरह है। कब पता लगा, क्या हुआ था? करीब 1 घंटा पहले पता लगा, यहाँ पर बच्चे वही कैनवस खेल रहे थे तो बच्चे गए तो उनको लगा कि यहाँ पर लाश है, तो वही जब शोर और किए तो और लोग भी यहाँ पर आए तो फिर बाहर निकली। हाँ, लाश तो बाहर निकल चुकी है। यहाँ पर मुबारकपुर के और जो सामाजिक संगठन है और मुबारकपुर के लोग हैं और पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, तो सभी लोगों के सहयोग से लाश बाहर निकल चुकी है। क्या लग रहा है लाश की, कितने दिनों से होगी या कुछ ऐसा? देखने में तो जो बड़े लोग हैं बता रहे हैं कि कम से कम 15-20 दिन की लाश हो गई। लाश की कंडीशन बहुत बुरी है। बहुत बुरी है लाश की कंडीशन, तो यही है कि देखकर तो कोई नहीं बता सकता कि लाश किसकी है। अच्छा, ये मुबारकपुर की इर्द गिर्द की है कि कहीं बाहर की, क्या लगता है आपको? अब इस बारे में तो हम नहीं बता सकते। पहचान में आ रही? नहीं, पहचान में तो नहीं आ रही। हाँ, स्वेटर जो है अगर उसके आधार पर पहचान हो सकती है, बाकी शक्ल देख कर तो बहुत मुश्किल लग रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।